हमारी अपनी प्रोटेस्ट है पीसफुल, इंशाल्लाह अनाउंस हुई है, हम करेंगे जहां जहां पे हमें हुक्म मिलेगा जाने का, इंशाल्लाह हम वहां पे जाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी जिले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट हटा लिया उसने। हाँ, मैं वजीर आला हूँ सूबे का, जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंगे की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। बाकी गाड़ियां मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं बीआरटी की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते हैं वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है, और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तरकीब का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया हमने, तुम्हारी फैमिली का एहसास किया हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिली का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस्मा बुखारी साहबा, ये तुम कहती हो ना कि जलसे तुम पख्तुआ में करो, पख्तूनख्वा में क्यों जलसे करूं? ये तुम्हारी जो वजीर आला बैठी हुई है, इसकी तरह वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था, मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज इलीगली। तुम्हारा बाप तो चोरी करके साबित हो के उन्हीं फ्लैटों में जिसमें सजा हुई थी, जहां के उन्हीं फ्लैटों में रह रहा था। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े होकर मैं लफ्ज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है? ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ।